दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खुदकुशी की बात पूछते लोग कमजोर लोग क्या करते हैं? यदि मेरी बात सुनो, ऐसा क्या हुआ है जो अपमान हुआ है हमारे प्यार का? ठेस पहुंचाई मैंने सुनील की आत्मा को, खून हुआ है उसके विश्वास का। डैडी, जब सुनील इस दुनिया में नहीं है तो आपने उसकी जगह किसी और को क्यों? मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? बेटी मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना। अनजाने में जो पाप मुझसे हुआ है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। तुमसे कोई पाप नहीं हुआ नेहा, अविनाश एक अच्छा लड़का है। तुम्हारे दोनों के बीच की मर्यादा की लकीर हमेशा बनी रही है। जब मेरा प्यार ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? किसी एक सुख के छिन जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती नेहा, तुम्हें एक बार जिंदगी से मोहब्बत करने की जरूरत है। मकसद और मायने खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। हो गया? मैं पूछता हूं उसका पंचनामा और पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अब तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट को मेडल मिलना चाहिए। नहीं बाबू भाई, आप कोई ज्यादा परेशान हो रहे हो। इंस्पेक्टर, क्या फायदा तेरा, क्या फायदा तेरा इस कड़क वर्दी का? हाँ, एक शरीफ आदमी को बहरे में से सड़क में मार दिया और तू मुझे बोलता है कि परेशान मत हो। इस साले इंस्पेक्टर, पब्लिक में जुलूस निकाल दिया तेरा इस पुलिस और कानून का। मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर, गुल्लू हमारा आदमी था और हम अपने आदमी की मौत की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। गुल्लू के कातिल का पता बहुत जल्द चलना चाहिए इंस्पेक्टर, वरना हमें तो कानून के दायरे में भी जुर्म का खेल खेलना आता है। तुम अच्छा स्केच कर लेती हो, एक बार उन चेहरों को याद करो, एक बार उनके चेहरे हमारे सामने आ जाए, हम इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। अविनाश ठीक कह रहा है नेहा, दिमाग पर जोर डालो, याद करो उस पल को जिसने सुनील को निगल लिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने सुनील को एक लाश में बदल लिया? कौन थे वो दरिंदे? तुम उन दरिंदों को कैसे भूल सकती हो? उनकी सूरतों को भूलने का मतलब है तुम सुनील को भूल गई हो। नेहा याद करो, नेहा कमान। पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, ऐसे आदमी को तो पुलिस बिना सबूत के छू भी नहीं सकती। सबूत मैं लाऊंगा और फिर इसकी असलियत पुलिस के सामने रखूंगा, इससे सुनील का कत्ल भी साबित हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, बाबू सेठ को बेनकाब मैं करूंगा। Thank you.
एसीपी गिल। हेलो सर, मैं आपको ड्रग्स और सोने की मूर्ति की स्मगलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? सर, मैं बाबू लंगड़े के होटल से बोल रहा हूँ। ये सब मैंने किचन में अपनी आंखों से देखा है, आप तुरंत रेड कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है सर, आप देर न करें। हाँ, लेकिन प्लीज। हेलो हेलो, एसीपी साहब कैसे आना हुआ? चड्डा साहब, हमें आपके होटल की तलाशी लेनी है। हमारे होटल की? जी हाँ, ये रहा सर्च वारंट। एसीपी साहब, लगता है आपको किसी ने गुमराह कर दिया है। हमारे होटल में आपको क्या मिलेगा? ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। हमले, तलाशी लो। ओके सर, आओ। एसीपी साहब, ये ठीक नहीं है। हम लोग शरीफ लोग हैं, होटल चलाने का लाइसेंस है हमारे पास। हाँ देखिए मिस्टर, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। साहब, कुछ मिला आपको? हाँ, अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। हाँ, मगर आपकी इस रेट से हमारा तो मजाक बन गया ना। गिल साहब, हमारे इस होटल में शहर के खानदानी शरीफ लोग आते हैं, और जब उन्हें इस रेट के बारे में पता चलेगा और उससे जो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा, उसका मुआवजा कौन भरेगा? मैं आप पर केस कर सकता हूँ। जरूर कीजिएगा चड्डा साहब, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी इसलिए हमने तलाशी ली। थैंक यू। और हां, एक बात और चड्डा साहब, पुलिस का हर ऑपरेशन शक के पायदान पे ही शुरू होता है। थैंक यू वंस अगेन। लगता है इस एसीपी के सिंग निकला। एक ईमानदार ऑफिसर को इस शहर की आबो हवा बहुत कम रास आती है। ये क्या है चड्डा साहब? मैंने आपका लाखों का माल बचा और मेरा इनाम सिर्फ ये? ए ईमानदार, पुलिस वालों को अपने घर पर ज्यादा दौलत नहीं रखनी चाहिए। ये लो, शराब पियो और आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती का नशा उठाओ। चीयर। चीयर। हमसे दोस्ती का मतलब है कि दौलत के खजाने की चाबी हाथ लग जाना। चड्डा साहब, आज तो वक्त पर आकर मैंने आप लोगों को खबर कर दी और आप कानून की चपेट में आने से बच गए, मगर आप अपने आदमियों को खबरदार कर दीजिए, क्योंकि आपके उस दुश्मन को ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपकी पीठ पर वार कर रहा है।